ने लास्ट टाइम हम लोगों ने लॉन्च किया था स्पोर्ट्स पॉलिसी, और ये बताया था जो मेडल लाएगा उनको जो है हम सब लोग जो है नौकरियां देंगे, तो वो भी लगभग जो है फाइनल हो चुका है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है और ये सारी प्रक्रिया जो है ट्रांसपेरेंसी रखी गई, और बहुत ही जल्द पॉलिसी लाने के बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि जो बिहार के खिलाड़ी हैं उनको जो है नौकरियां मिलेंगी। कुछ BDOs बन रहे हैं, कुछ इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो ये सारे रैंक जो है दिया जा रहा है, तो अधिकारी बन रहे हैं। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, नीतीश जी की रैली वाराणसी में, बिहार गवर्नमेंट नई स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रही है जैसा कि डिप्टी सीएम ने भी बताया, क्या वो पॉलिसी है और इसके अंदर क्या बेनिफिशियरीज होगी? ये पॉलिसी का नाम है मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये नया स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। इसमें आपको ना ट्रायल्स देने का ज़रूरत है, ना आपको एप्लीकेशन डालने का ज़रूरत है, ना आपको कोई इंटरव्यू है, कुछ नहीं है। आप जैसे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाते हैं, एक वेब पोर्टल खोला हुआ है, उसमें आप अपलोड कर दीजिए और आपके लेवल ऑफ अचीवमेंट के अनुसार आपको उस ग्रेड के नौकरी मिल जाएगी। तो इस तहत हम लोगों ने इस 6 महीने के अंतराल में करीब 81 लोगों को स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो जो मेडल लाए हैं नेशनल लेवल और इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर से मैं बता रहा हूँ, इस बार जो एशियन गेम्स हुआ है चाइना में, पहली बार बिहार का इतिहास में 5 बच्चे बिहार के बच्चे इंडियन टीम में शामिल होकर एशियन गेम्स गया था, और उसमें से एक बच्चे पैरा एशियन गेम्स में हाई जंप में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनको सरकार ने BDO बना रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, कॉन्स्टेबल सब बना रहे हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस पॉलिसी को देख के बाकी सब राज्य भी इसको कट पेस्ट कर रहे हैं और अपना राज्य में इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।